हेलो मेरे लेडीज एंड लेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप कि आप सभी लोग बढ़िया ही हो गए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एस केचम का ट्रू लव कौन बनने वाला है इन द फ्यूचर और उसकी फ्यूचर वाइफ कौन होगी। इस वीडियो में हम ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं, तो वीडियो को काफी एंड तक देखना यार, आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। एंड हाँ यार, थैंक्स टू टीजी भाई, इन्होंने हमें इस टॉपिक को बनाने के लिए आइडिया दिया था। सो एनीवे, बाय द वे, जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। सो गाइस, जब से पोकेमोन एनीमे स्टार्ट हुआ है तब से लेकर काफी ज्यादा फैंस ने अपने मेन हीरो एस केचम के लिए अपने अपने पसंद की लड़कियां ढूंढ रखी है। मतलब कि मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर पोके शिपिंग। हाँ, उन्होंने अपने अपने स्टाइल से अपने अपनी पसंदीदा पोके गर्ल को एस के साथ मैचिंग कराकर उनको बोला है एज अ कपल। मगर यार, ये थिंग रॉन्ग है। यहाँ पर मैं प्रूव कर दूंगा कि उसके लिए कौन सही है और कौन नहीं है। और हाँ, इन सभी पोके गर्ल्स में से काफी ज्यादा पोके गर्ल्स ऐसी भी है जो कि यार एस को पसंद करती थी, मगर एस को उनके बारे में कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था। मतलब कि यार, उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं थी। और इन सभी पोके गर्ल्स में से सरीना और मिस्टी सबसे टॉप पर आती है। और यार, जब से ये पोके शिपिंग आया है तब से यार उन पोके शिपिंग में से एक पोके शिपिंग बहुत ही यार फेमस हो चुकी है फैंस के अंदर, जो कि है एस एंड मिस्टी की लव स्टोरी। हाँ, उन लोगों ने एस एंड मिस्टी के ऊपर इतना ज्यादा भाई कॉन्ट्रोवर्सियल कन्वर्जेशन कर दिया था कि यार उन्होंने ये भी बता दिया था कि ये दोनों आगे जाकर यार एज अ कपल हमें दिखने वाले हैं और फ्यूचर वाइफ भी एस की यही बनेगी। मगर यार, एस एंड मिस्टी ने पोकेमोन एनिमे के अंदर ये प्रूव कर दिया कि वो दोनों आगे जाकर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। और ये बात मैं भी प्रूव करूंगा अभी आपके सामने। और पोकेमोन के अंदर हमें काफी ज्यादा ऐसे कंपेनियंस दिखाए गए हैं एस केचम के साथ, जिन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है एस के साथ। और हाँ, उनमें से सभी पोकेगर्ल एस की काफी अच्छी दोस्त है, मगर उनमें से कोई भी यार सरीना के जैसा एस को नहीं चाहता। बट यार, यहाँ पर देखो, पोकेमोन की एयरिंग हुई थी सन 1997 में जापान के अंदर, और तभी से लेकर आज तक मिस्टी एस के साथ ही साथ है और उसकी काफी अच्छी दोस्त भी है और बेस्टी भी हम कह सकते हैं। और यार, मिस्टी एस की लॉन्ग टाइम ट्रैवलिंग कंपेनियन भी बन चुकी है। और अगर हम एस और मिस्टी के एज कंसीडर करें तो एस ने हर बार हर एक सीरीज में बोला है कि वो 10 साल का है, वो 10 साल का है। और इसी से हमें क्लू मिल जाता है कि एस की कोई रिलेशनशिप नहीं रही होगी उसके पास के अंदर, क्योंकि यार ये 10 साल का बच्चा है, वो थोड़ी ना कोई गर्लफ्रेंड बनाएगा अपने 5-6 साल में। ये तो एक सोचने वाली ही बात है। सो या, ये एक काफी अच्छा क्लू है हमारा एस केचम के लिए कि वो अभी तक शुद्ध बंदा है। और हाँ भाई, पोकेमोन के 25 साल गुजर जाने के बाद भी हमें पोकेमोन के अंदर सरीना के सिवाय कोई यार दूसरी पोकेगर्ल नहीं दिखाई गई है जो कि यार एस के लिए रोमांटिक डेवलपमेंट क्रिएट कर सके। हाँ, पोकेमोन के अंदर तो रोमांटिक डेवलपमेंट बिल्कुल ना के बराबर ही है, मगर यार ये सरीना ने करके दिखाया है एक्स वाई के अंदर। और भाई, इसी टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि यार सरीना इज एस ट्रू लव इन द पोकेमोन, नॉट अ मिस्टी। यार, यहाँ पर हम मिस्टी को टोटली इग्नोर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यार पोकेमोन के सॉन्ग्स एंड मूवीज में हमें ये दिखाया गया है कि यार मिस्टी को भी फीलिंग है एस के टूवर्ड्स। क्योंकि यार हमें यार एग्जांपल की तरह ले लो पोकेमोन द मूवी 2000 एंड द एपिसोड मिस्टी मीट्स हर मैच इन द पोकेमोन एडवेंचर इन द ऑरेंज आइलैंड। ये एपिसोड तो आप सभी ने देख ही रखा होगा, और इसमें आपको ये भी बताया गया था कि यार मिस्टी एस को चुनती है इंस्टेड ऑफ हिज और हर लव। ओके, सो यार और भी काफी ज्यादा ऐसे हिंट है, जैसे कि मान लो कि यार अब एनिमे के अंदर ऐसे मजाक में बोला हो कि यार तुम एस के काफी अच्छी खास दोस्त हो, तब मिस्टी ब्लश कर जाती है। तो यार डबिंग के अंदर भी हमें हिंट मिली थी कि यार मिस्टी को भी एस के प्रति कोई ना कोई लगाव तो है ही। मगर यार, इन दोनों को कोई भी रोमांटिक डेवलपमेंट नहीं मिला है एनिमे के अंदर, जो कि यार काफी सैड बात है मिस्टी के लिए और एस के लिए भी। और मिस्टी भाई शो को छोड़कर चली गई थी आफ्टर जोटो लीग, बिकॉज यार उसके अंदर न्यू पोके गर्ल्स इंट्रोड्यूस कर किए जाने वाली थी, जैसे कि मे हो गई, डॉन, आइरिस एंड सरीना। सरीना एक न्यू रोमांटिक कपल बनने वाली थी, कंपेनियन, जो कि यार हमें एक्स वाई के अंदर दिखाई गई थी। यस, ये बात तो हम सभी को ही पता है। मगर इसके बाद सरीना काफी फेमस हो जाती है एस के फीमेल कंपेनियन के तौर पर, क्योंकि यार हमें उसके बाद जानने को मिलता है कि सरीना एस से मिल चुकी है अपने यंग एज में, और वो दोनों जब समर कैंप में गए थे तब एस ने उसकी हेल्प की थी आफ्टर शी इंजर्ड हर सेल्फ। और इसी बात को ही हम आगे लेकर एक्स वाई और एक्स वाई जीत के बाद हम ये बोल सकते हैं कि सरीना को एस के ऊपर एक प्रॉपरली क्रश था। और ये क्रश की बात यार हमें दूसरे कैरेक्टर्स के मुंह से भी सुनने को मिलती है एनिमे के अंदर, जैसे कि एग्जांपल की तौर पर ले लो मिएट, और ये मिएट को भी एस केचम काफी पसंद था, मगर उसके बीच का काटा सरीना बन रही थी। और हाँ, इसके बाद भी हमें एक और क्लू मिला था कि यार इन दोनों के बीच में कोई ऑफिशियली
रिलेशनशिप तो नहीं होने वाली ऐसा पोकेमोन ने बोला था, मगर सरीना को बस एस के ऊपर ही क्रश था। इसी वजह से उसने उसके साथ सफर किया था एक्स वाई जी तक, और इसकी एंडिंग में सरीना ने जाते हुए एस को किस भी किया था, जो कि यार एक लेवल अप बढ़ा देता है सरीना का मिस्ट्री से ज़्यादा, क्योंकि यार मिस्ट्री ने ऐसा कुछ शो नहीं किया है एस के टूवर्ड्स, और कभी ऐसा किस भी नहीं किया है एस को, और यार यही बात सरीना को एक अपर लेवल लवर बना देती है। और गाइस ऐसा नहीं है कि सरीना के पास ही एस के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है, पोकेमोन के अंदर काफी ज्यादा ऐसे पोके गर्ल्स है जो कि एस के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, जैसे कि ले लो मेलोडी फ्रॉम द पोकेमोन मूवी 2000 एंड लाटिया जिसको हम बियांका के नाम से जानते हैं पोकेमोन हीरोज में हमें दिखाई गई थी, और मिएट ले लो पोकेमोन एक्स वाई और एक्स वाई जी में हमें दिखाई गई थी, और इसके बावजूद भी यार इतना ज्यादा प्यार मिलने के बावजूद भी एस ने कभी डिस्क्लोज नहीं किया है अपनी रोमांटिक फीलिंग को किसी के भी साथ भी। हो रहा एस ने हमेशा ये हमें दिखाया है कि वो कितना ज़्यादा मिस करता है अपने पोके गर्ल्स को, मीन्स मेरा मतलब है अपनी अपने फ्रेंड्स को, सभी मेल हो या फीमेल हो कोई भी। हमें पोकेमोन के फ्यूचर एपिसोड में कुछ ऐसे फ्लैशबैक देखने को मिले थे जहाँ पर एस अपने ओल्ड कंपेनियन के बारे में बातें करता है अपने न्यू कंपेनियन के साथ, और हाँ इतना ही नहीं एस भाई अपने कंपेनियन के साथ भी काफ़ी अच्छी केयरिंग रखता है, और भाई वो सबको भाई अच्छे से ट्रीट करता है। हाँ कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है, मगर यार उसका भाई डन होता है यार वर्क अपना। एंड साइमल्टेनियसली ही हमें ये पता चलता है कि एस कैचम अब हमारे साथ नहीं रहने वाला है, उसका फाइनल एपिसोड नंबर 13 आ चुका था और उसके अंदर मिस्टी आने वाली थी। ये बात सुनकर काफी ज्यादा पोके फैंस खुश हो जाते हैं कि यार एस के फाइनल एपिसोड में मिस्टी आ रही है उसको अपना लव कन्फेस करने के लिए, और यार रोमांटिक सीन होगा ये सब कुछ सोच लिया था सभी ने, और यार यहाँ पर बात सेटल हो जाएगी कि यार एस लव्स मिस्टी और मिस्टी लव्स एस, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं उस एपिसोड के अंदर, और ये फाइनल गुड बाय जो रहा था एस और मिस्टी का वो हमें काफी डिसअपॉइंटिंग कर दिया, क्योंकि यार हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि यार उनका रीयूनियन एज अ नॉर्मल टॉक की तरह ही खत्म हो जाएगा, जैसे कि वो पहले रीयूनियन होते थे किसी भी सीरीज में न्यू सीरीज के अंदर, बस वैसे ही रीयूनियन हुए और फिर खत्म बात, और यहाँ पर यार उनको कोई रोमांस डेवलपमेंट भी नहीं दिया गया। और फिर यार हम सरीना के बारे में भी बात कर लेते हैं कि यार उसको भी यार अपना प्लॉट रिटर्न किया गया था पोकेमोन जर्नीज के अंदर, मगर वहाँ पर एस और सरीना मिले भी नहीं थे, बस उन दोनों ने बस एक दूसरे को देखा था और स्माइल किया था, उन लोगों को इवन यार एक दूसरे से बात करने का भी मौका नहीं मिला था, जो कि हमें ये प्रूव करता है कि यार अगर सरीना और एस मिले होते अच्छी तरीके से तो यार सरीना कुछ ना कुछ तो ऐसा तिकड़म लगाती ही एस को पटाने के लिए, जो कि यार हमें फैंस को खुश कर देता यार, मतलब कि आप समझ रहे हो, वो उसको कन्फेस कर देती लिटरली कि यार भाई ये है वो है ये है वो है, मगर यार ऐसा मिस्टी ने नहीं किया अपने फाइनल एपिसोड में जबकि यार एस पोकेमोन छोड़ के जा रहा था। सो सैड यार मिस्टी, ये तुमने क्या कर दिया यार। और हाँ जैसे कि हमारी सरीना यार मिस्टी से ज़्यादा नहीं है, यानी कि फैन बेस मिस्टी का काफ़ी हाई है सरीना से ज़्यादा, बट सी हैज़ बीन द गर्ल इन पोकेमोन हु हैज़ कम क्लोजेस्ट टू डिक्लेयरिंग हर फीलिंग फॉर एश एंड इवन टूक अ स्टेप फर्दर इन रिवेलिंग देम विच गिव्स हर मोर क्लाइम टू टाइटल देन मिस्टी। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन दोनों में से किसकी जोड़ी बेस्ट है, सो यार फाइनल आंसर तो आपको देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि यार कौन जीतेगा एस का साथ और कौन बनेगा एस का फ्यूचर वाइफ। तो यार जल्दी से कमेंट करो एस या फिर तो मिस्टी, अब हमें बस आपके पास से ही आंसर सुनना है, मैंने तो अपना सुना दिया ये और ये ऑफिशियली है। ओके सो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टाटा एंड बाय बाय, तब तक हमारे ओल्ड वीडियोस देखो।